और अब हम रेडी हो गए हैं झांकी में जाने के लिए। और मैंने पहना है येलो सूट और आव्य शिवे ने भी पहना है येलो, क्योंकि आज पहना था हमको येलो। और मैंने भी कुछ इस तरह से ही सूट पहना है येलो। और मम्मी भी तैयार हो रही है, मम्मी को भी टाइम लगेगा। और हम तीनों हो गए हैं तैयार। हाय सो फ्रेंड्स, तो पहुंच गए हम शोभा यात्रा में। और आज है यहाँ पे शोभा यात्रा और जन्माष्टमी। हर जन्माष्टमी पे शोभा यात्रा निकाली जाती है हमारे बड़वाला में, जो कि आप लोग देख सकते हो। और काफी भीड़ है यहाँ पे। पहले नंबर पे हैं ऊंट। बहुत बड़ी झांकी है, बट सिया है, मेरे साथी है सिया, तो सिया इधर उधर भाग रही थी तो उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और राबिया बैठी है ट्रोली में, वो बहुत पीछे हैं। और यहाँ पे देखो ऊँटों को बहुत अच्छे और बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। और सबसे पहले झांकी में सबसे पहले ऊँटी पहले नंबर पर है। और ये देखिए दूसरे नंबर पर है डीजे वाली रिया आंटी। आप सबको मेरी यूट्यूब फैमिली को हाई करी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए पुलिस वालों को भी बुला रखा है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो रहा था। और ये है हाईवे रोड। और सिया देखो, और ये है मम्मी जी। मतलब हर साल इतना इंजॉय करते हैं हम लोग, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और भीड़ इतनी ज्यादा थी जो कि लोग आप लोग देख सकते हो। यह है शिमला बाईपास वाली रोड बड़ो वाला। और थोड़ा सा नीचे जाके प्रेमनगर वाली रोड से उधर को जाएंगे, और बड़ो वाला से इधर और नीचे जाके पुल से उस साइड जाते हैं, और प्रेमनगर वाली रोड पे, फिर शिमला बाईपास वाली रोड पर, फिर मंदिर में डोली आ जाती है। ये सारे हमारे भक्तगण। इस वाले में तो लेडीज बहुत ज्यादा हैं और पीछे वाले में है जेंट्स लोग। क्योंकि मेरे साथ सिया थी तो मैं झांकी, मतलब जितना मेरे से हो पाया उतना ही दिखा पा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि झांकी बहुत बड़ी है, लंबी है। ये हैं कृष्ण जी, राधे कृष्ण हैं, पार्वती, बहुत सारी लंबी झांकियां हैं। और ये हम प्रेमनगर वाली रोड पे आ गए इधर से। ये दीदी हमारी। और सब इतना नाच रहे हैं, बहुत ही, मतलब आज के दिन पे बहुत अच्छा लगता है जब रैली निकाली जाती है। और निकलते निकलते अब शाम होने का टाइम हो गया है।
ये हम इधर से प्रेमनगर वाली रोड से गोरखपुर चौक से पहले, और यहाँ देखो किड्सन भक्ति में लीन, और ये पहुँच गए हम मंदिर के पास जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से ये है मंदिर इधर, और इधर ही डोली फिर से इधर ही रख देंगे डोली को, और फिर यहाँ से अपने अपने घर प्रसाद लेके शिविया मम्मी चले गए थे घर, और मैं और आप गया यार यहाँ पे, और टाइम हो गया 8:30 बज गए। ये आगे है मंदिर जहाँ पे कृष्ण जी मतलब कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया गया था, यही इसी मंदिर पे गए थे पहले वाले ब्लॉग में, बैंड वाले भी थे, डीजे वाले भी थे। बहुत अच्छा लगता है मतलब। अब यहाँ से हम भी जाते हैं अपने घर। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों के इधर कैसे मनाई जाती है जन्माष्टमी का महाउत्सव। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।